हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल हीलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हम देखते हैं साईं बाबा का क्या संदेश है हमारे लिए। आपके मन में यदि कोई प्रश्न है तो उसको मन में रखिए, इसमें हो सकता है आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। यदि आपको ये वीडियो मिल रहा है यानी ईश्वर आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ओम गणपतये नमः, ओम नमो नारायण, ओम साईनाथाय नमः। देखते हैं बाबा का संदेश क्या है। फर्स्ट कार्ड हमारा निकला है शिव शक्ति, उत्सव, भरोसा, विपुलता एंड आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आई होप आप लोग को कार्ड्स दिख रहे हो। चलिए गाइस शुरू करते हैं पहले कार्ड से। हमारे फर्स्ट कार्ड हमारा निकला है शिव शक्ति। यहाँ कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि अपने अंदर बॉडी में बैलेंस बना के रखिए, अपने दिमाग में बैलेंस बना के रखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी बॉडी में आपको किसी चीज़ को लेके परेशानी हो रही हो, पेट से रिलेटेड, दिमाग, सर में दर्द होता हो या फिर कुछ और, क्योंकि इनबैलेंस है। इसलिए कि आपने हो सकता है अपने खान पान पर ध्यान नहीं दिया हो, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करी हो, ज़रूरत से ज़्यादा काम किया हो, जो आपका खाना पीना रूटीन जो भी था वो डिस्टर्ब हुआ है। तो आपसे बहुत क्लियर कहा जा रहा है कि अपने खाने पीने सोने उठने का हिसाब किताब रखिए गाइस, बैलेंस रखिए अपने खाने में पीने में। या फिर किसी ने ज़रूरत से ज़्यादा खाना पीना खाया है जिसको उसके कारण भी तकलीफ हो सकती है। देखिए ज़्यादा या कम दोनों ही नुकसान है हमारे शरीर के लिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, बैलेंस बना के चलिए। या किसी चीज़ को लेके आप बहुत काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं तो उस चीज़ में भी, उस बात के लिए भी अपने दिमाग में बैलेंस बना के रखिए। यानी एग्रेसिव होकर सामने हो सकता है सामने वाले से तू तू मैं करने चले जाए आप, तो आपसे कहा जा रहा है ऐसा मत करिए। जिन्होंने भी, और काफ़ी लोग हैं जिन्होंने किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, किसी रिजल्ट का वहाँ दिख रहा है वेट कर रहे थे, हो सकता है जॉब वगैरह का इंटरव्यू दिया हो, रिजल्ट आने वाला हो आप लोगों के लिए, जो भी है जिस चीज़ का भी आप वेट कर रहे थे, खुशखबरी आने वाली है, गुड न्यूज़ आने वाली है आप लोगों के लिए, जिस भी रिजल्ट का वेट कर रहे थे। जनरल रीडिंग है उस हिसाब से देखिएगा, वापस मैं बोल रही हूँ, तो आप लोगों को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले, कॉन्ग्रेचुलेशन। ईश्वर पे भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, आस्था बनाए रखिए, चिंता मत करिए, जो भी आपकी परेशानी है सारी खत्म हो जाएगी बाबा का कहना है। लेकिन ईश्वर पे अटूट विश्वास आपको रखना है और उन पे आस्था बनाए रखनी है, क्योंकि बाबा का स्लोगन ही है श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा रखिए और सब्र करिए थोड़ा, तो भरोसा और आस्था भरोसा और आस्था यानी कि विश्वास रखिए उन पे और भरोसा रखिए, आपका काम जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। परेशान मत होइए, चिंता मत करिए। विपुलता, जल्दी आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। जो मेहनत आपने की थी, बाबा का कहना है जो पास्ट में मेहनत की थी उसका फल मिलने का समय आ गया है। यानी कि आपने जो हो सकता है पढ़ाई के लिए की हो, कोई ट्रेनिंग कर रहे हो, जो भी काम अभी तक आप कर रहे थे उसका रिजल्ट आने का समय आ गया है और वो पॉजिटिव रिजल्ट है गाइस, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव रिजल्ट है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। आकर्षण का नियम, बाबा का कहना है कि कई लोगों के लिए बोला जा रहा है कि काफ़ी टाइम से किसी चीज़ को पाना चाह रहे हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये जो है ये इसको यूज़ करिए। आप इस पद्धति को आपको यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है, इस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो चीज़ है उसे यूज़ कीजिए। मैंने पहले वीडियो बनाए हैं इसके ऊपर, आप देख सकते हैं जाके, और आप अपनी जो भी आपकी इच्छा है वो अपनी पूरी कर सकते हैं, क्योंकि अगर इच्छा आपकी पूरी होनी है तभी गाइज ये कार्ड निकला है बाबा का, तभी उनका ये संदेश निकला है कि आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कीजिए। तो आई होप आप लोग को रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, बेल बटन गाइस ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोग को मिल जाए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।